एकाएक इस डिजिटल युग में जब दीवार पर पोस्टर की एक सनसनीखेज एंट्री हो तो उससे रोमांच तो पैदा होगा ही, क्यों ना हो। जब उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर लगाया जाए या लगवाया जाए, पोस्टर वो भी मुलायम और अखिलेश की समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर। आपको वैसे ताजा ताजा याद भी होगा कि पटना में भी पोस्टर और होर्डिंग एकाएक अवतरित हुए थे और पटना में नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के दफ्तर के ठीक बाहर। अब पटना के पोस्टर और होर्डिंग का मैसेज यही था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को सीधे सीधे चुनौती देने खड़े हो गए। पोस्टर्स और होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे हमले के साथ। और अब उत्तर प्रदेश का ये पोस्टर देखिए, बिहार से जोड़कर कहा जा सकता है कि ये बिहार के पोस्टर का एक्सटेंशन है। और ये भी कि यही ऐलान कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार मिलकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। और बात पोस्टर तक ही नहीं रुकी है, अखिलेश यादव ने तो ट्विटर के जरिए चुनौती को और आगे बढ़ा दिया है। अखिलेश के इस ट्विटर बयान को ध्यान से पढ़िए, हर शब्द बहुत ध्यान से पढ़िए, हौसले बुलंद हो रहे हैं। दरअसल लगता है कि नीतीश के दिल्ली दौरे के बाद जुगलबंदी का असर हुआ है, मुलाकात और बात का असर हुआ है। जरा दिल्ली प्रवास के दौरान नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की बातों पर फिर से गौर कीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिए। सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई सर उसमें? भाई सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेगी जानकी, यूपी का आगे और नेतृत्व करेगी जानकी, यूपी का आगे और नेतृत्व करेगी जानकी। ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार मौजूदा बीजेपी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर, मगर नीतीश का साथ छूटने से बिहार में कमजोर विकेट पर आ गई है बीजेपी। बिहार में जब नीतीश युक्त बीजेपी थी, यानी जब नीतीश बीजेपी के साथ थे, तो एनडीए ने पिछले लोकसभा चुनाव में 39 सीट जीती थी 40 में से। लगता है कि नीतीश, अखिलेश, आरजेडी और अन्य साथी दल उत्तर प्रदेश में एक शक्तिशाली गोलबंदी की फिराक में है और यूपी में भी इसी की कोशिश में है। और ये जो ताजा पोस्टर आपने देखा, ये इसी बुलंदी का मैसेज देना चाहता है। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर 2024 में फेंक देंगे और मिशन 2024 जो है वो कामयाब होगा। सही में चली गई भाजपा सरकार, यह स्लोगन उत्तर प्रदेश के चौराहों पर साफ साफ दिख रहा है। बिहार में शुरुआत की है, लंबी तेजी से देश के अंदर में होता जा रहा है। समान विचारधारा वाले दल लगातार एक दूसरे से मिलकर नए रणनीति की पूरी तौर पर रूपरेखा तैयार कर। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है, चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है, केशवदेव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं, इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है, ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका। लेकिन बिहार की तरह उत्तर प्रदेश आसान नहीं है। अखिलेश के कई ताजा साथी उनसे छिटक चुके हैं। बीएसपी यानी मायावती एक लंबे समय से विपक्षी धुरी से दूरी बना चुकी, यहां तक कि सबसे मिलने वाले नीतीश कुमार भी अभी तक मायावती से मिल भी नहीं पाए और शायद मिलना भी नहीं चाहते हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी एंट्री मारना चाहती थी या चाहती है, मगर अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को कितना चारा देंगे, एडजस्ट करेंगे, और नीतीश और तेजस्वी की इसमें क्या भूमिका रहेगी। दरअसल
इस मोमेंटम के बावजूद विपक्षी खेमे में तमाम जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनके बीच पेचीदगियां बहुत सारी। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार से बाहर भी निकले तो ममता बनर्जी अखिलेश और तेजस्वी को लेकर तो नरम है, मगर अखिलेश की तरह ही कांग्रेस को लेकर नरम नहीं है। उधर फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। राहुल विपक्षी एकता की बात तो कर रहे हैं, नीतीश कुमार से मिले भी हैं, मगर लगता यही है कि कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते इस पद यात्रा की समाप्ति के बाद ही खोलेगी। शायद कांग्रेस पार्टी पदयात्रा के रिस्पॉन्स का आकलन कर उसके बाद कोई फैसला लेना चाहेगी। चाहे वो देखिए विपक्षी एकता के ब्लूप्रिंट की बात हो, चाहे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो, या चाहे वो लीडरशिप की ही बात क्यों ना हो। और क्यों ना दिल्ली की गद्दी की नाड़ी उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल की ही बात हो। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस नीतीश और तेजस्वी को लेकर आश्वस्त या नरम है, मगर अखिलेश और ममता को लेकर शायद कांग्रेस का रुख सशर्त कंडीशनल। सवाल देखिए उत्तर प्रदेश के 80, बंगाल के 42 सीटों का है। बाकी विपक्षी दलों प्रदेशों की बात अगले वीडियो में करेंगे, मगर इस वीडियो में बात यहीं तक। पोस्टर की पॉलिटिक्स, उभरते समीकरण की, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और कांग्रेस की। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना फीडबैक, अपने सजेशन जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।